ओम शांति। जिस तरह भगवान ने हमें पाला उसी तरह हम दूसरों को पालें। कितने भाग्यशाली हैं वो आत्माएं जो प्रभु पालना में पल रहे हैं। प्रभु पालना पाकर जिन्होंने दूसरों की पालना करना सीख लिया है वे सचमुच महान बन जाते हैं, वे पूर्वज बन जाते हैं। उनके द्वारा जन्म जन्म भी अनेकों की पालना होती है। बाबा ने हमें पाला प्यार देकर, बाबा ने हमारी पालना की बहुत अच्छी गाइडेंस देकर, उसने हमारी पालना की बहुत बहुत अच्छी समय पर टचिंग देकर, शक्तियां देकर हम भी दूसरों की पालना करना सीखें। जहां दूसरों की पालना बहुत अच्छी होती है वहां सेवाओं में रौनक रहती है, चारों ओर हरियाली रहती है, सभी का मन प्रेम और आनंद से भरपूर रहता है। और जहां पालना का अभाव रहता है वहां लोगों में दूरी रहती है, संगठन में एकता का अभाव दिखाई देता है, सूखापन नजर आता है। सेवाओं की सफलता के लिए भी पालना आवश्यक है। हम एक पौधा भी लगाते हैं, उसकी पालना करते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं, चिड़िया पशु पक्षी उसे खा न जाएं। हम भी जो पौधा लगाते हैं, जिन आत्माओं को बाबा का बनाते हैं उनको सींचना, उनकी पालना करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें अवसर देना, उनकी योग्यताओं का लाभ उठाना या उनको योग्य बनाना, ये सब पालना हमें दूसरों को देनी है। ये बहुत सुंदर कला है। और प्रभु पालना हमें देनी है सबको, इसका भी हमें बहुत ध्यान रहे। कई आत्माएं डायरेक्ट प्रभु पालना का अनुभव नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारे द्वारा उन्हें ईश्वरीय पालना की अनुभूति हो, उन्हें वही अलौकिक आत्मिक प्रेम मिले, उन्हें गाइडेंस मिले, उनकी समस्याओं का हम समाधान कर पाए, उन्हें मदद दे पाए, ये बहुत श्रेष्ठ पालना है। जिसे सबको पालना देनी है उसे दो गुणों को विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करना होगा। एक रहम भाव, दूसरा सहयोग देने की वृत्ति। हमें सबको सहयोग देना है, क्योंकि जो आत्माएं हमारे पास आई हैं वो संपूर्ण नहीं हैं, वो प्राप्त करने आई हैं, वो समस्याएं लेकर आई हैं, वो विषय विकार और पापों की बड़ी बड़ी गठरियां, बोझ की गठरियां अपने सिर पर लेकर आई हैं। हमें उन्हें हल्का करना है, हमें उनके बोझ उतारने हैं। हमारे पास आते ही यदि कोई व्यक्ति बहुत हल्का हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए, तो समझ लें ये उनकी बहुत श्रेष्ठ पालना हम कर रहे हैं। और हमारे पास आकर कोई भारी हो जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बात सुनकर किसी के दुख बढ़ जाएं, तो समझो हमारे अंदर पालना का गुण संस्कार नहीं है। बाबा भी चाहते हैं जैसे मैंने सब महान आत्माओं की पालना की है, अब ये महान आत्माएं अपने दूसरे छोटे भाई बहनों की बहुत अच्छी तरह पालना करें। तो पालना करने को अपनी नेचर बनाएंगे। आज सारा दिन हमें संसार की पालना करनी है, प्रकृति की पालना करनी है। और ये पालना होती है वाइब्रेशंस देकर। सभी को ख्याल रहे संसार में और पालना भी दूसरे मनुष्य दूसरों को दे सकते हैं, कोई सहयोग भी देते हैं, कोई दूसरों को मेडिकली बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई और बहुत तरह की सहायता दूसरों को करते हैं हम जानते हैं, परंतु वाइब्रेशंस देना, वाइब्रेशंस देकर वायुमंडल को पवित्र और पावरफुल बनाना, वाइब्रेशंस देकर निराश आत्मा को, दिल शिकस्त हुई आत्मा को जो बहुत सब कुछ अपना गंवा चुकी है, उसको फिर से खुशी देना, उसके जीवन में आशाओं की किरण जगाना, जो आत्माएं सुसाइड करने को तैयार हैं उन्हें नवजीवन देना,
ये पालना हम वाइब्रेशंस देकर ही करते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ, परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। फैलाएंगे सारा दिन और संकल्प देंगे संसार को, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, शांत हो जाएं, निर्भय हो जाएं। आज सारा दिन विश्व की ये पालना करते रहना है। ओम शांति।